नमस्कार, सीसी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर की दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। पत्र की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया तथा नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि किरण के बाद भी उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि अन्य जिलों में प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें प्रमाण पत्र नहीं दिए गए तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पेश है सीसी न्यूज की रिपोर्ट। सब जैसे 2009 में 721 लोगों ने यहाँ पर एप्लीकेशन दी थी, उसमें से चिन्हित करके 352 लोगों को इन लोगों ने चिन्हित किया, और उसमें कोई पेपर कट है, जैसे कहीं पर पेपर कट पे दे रखा, कहीं पर दे रखा पूछताछ पे, और ये कई चीज़ें उन लोगों ने उस टाइम पर अप्लाई कर रखी, क्योंकि उसमें 5-6 उस टाइम पर वो थे, क्या कहते हैं, नियम थे उसमें। तो हम भी यही कह रहे हैं कि भैया जैसे और लोगों को और जगह पर जैसे दे रखा वैसे हमको भी दिया जाए, और इसके लिए आज से हम ये धरने पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकाल हमारा धरना है, और जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम बैठे रहेंगे यहाँ पर। सर, आज से हमारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। जिस प्रकार शासन और प्रशासन ने हमारे साथ अन्याय किया है, उसके तरह हमने शांतिपूर्व धरना शुरू कर रखा है। हमारा कथन ये है कि जिस प्रकार देहरादून में पेपर कट से 535, टेहरी में 28 बने हैं, उसी प्रकार बागेश्वर के भी बनने चाहे। यदि आर्टिकल में संविधान में समानता और समरूपता है तो उसी आधार पर हमको भी बनाना चाहिए, और आज से हमारा शुरू है, ये लगातार शुरू होता रहेगा, और कल से और मतलब लोगों का इकट्ठा जमाव शुरू होगा, और ये हमारा कथन है कि हमको न्याय दें, प्रमाण पत्र दें, जिस प्रकार अन्य को दिया उसी प्रकार हमको भी दें। हाँ, और हमारे लिए वो रूल होने चाहिए जो 2009 के हैं, जो अमेंडमेंट 2017 से हैं, वो हम पर लागू नहीं होने चाहिए, क्योंकि संविधान यही कहता है जिस दिन जिसका केस दायर होता है उसी दिन के नियम लागू उस पर होते हैं। तो आज के हम नियम थोप रहे हैं, ये गलत है। मांग है आपकी, और क्या कहना चाहते हैं आपसे, धरना है तो क्या आगे को रणनीति रहेगी? आज से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल वैसे कल से शुरू हो चुकी है हमारी, परंतु आज से हम उग्र रूप धारण कर, उग्र ने भी शांति रूप में हमें भी, इसलिए शांति रूप इसलिए हमारे जिलाधिकारी महोदय, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार उत्तराखंड में के जनपद टेहरी में, जनपद देहरादून में, उधम देहरादून में जो आंदोलनकारी पेपर कट के आधार पर चयनित हुए हैं, उसी प्रकार 2009 जब हमारा चयन हुआ था हमें भी उसी प्रकार का अधिकार मिलना चाहिए, ये हमारी मांगे हैं। आज ये कह रहे हैं कि 2017 से ये पेपर कट हटा दिया गया करके, ये हमें मान्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है 2008-09 का मुद्दा है, उस समय हमें चयनित किया गया है, हमने नहीं चाहे प्रशासन ने चयनित किया गया है, और इनके द्वारा चयनित होने के बाद भी चयनित हमें नहीं बनाया गया, हमें न बनाने, जबकि उसमें नियम ये था जो चयन समिति अशासकीय है उसके चयन अनुमोदन से हमें आंदोलनकारी घोषित करना था, परंतु उनकी किसी की नहीं सुनी गई। चार बार 2009 से लेकर लगातार मीटिंग होती रही, उनमें इन्हें उन गैर सरकारी सदस्यों का अनादर किया, उनके कहने पर उन्हें बिल्कुल माना नहीं, केवल यहाँ के जो अधिकारीगण हैं और कर्मचारीगण हैं उन लोगों ने अपने विवेक के आधार पर हमको निरस्त किया गया।